लोग सेम लग रहे थे क्या? बट आई एम सो ग्लैड यार आप लोग यहाँ पे आए. थैंक यू फॉर दैट पोस्टर. थैंक यू सो मच पाजी. आई लव यू एंड आई लव यू ऑल. बट आई एम सो ग्लैड आप सबको यहाँ पे देख के मिल के हाय देयर हाय. एंड जिस तरीके से आई थिंक यू शुड फर्स्ट डू द मिस इंडिया थिंग. जस्ट वेव अराउंड टू एवरीबॉडी हु इज ओगलिंग एट यू. सर बहुत अच्छा लग रहा है. जो भी जिस तरीके से जब फैंस ऐसे रिएक्ट करते हैं और आज जो फैंस का इंटरेक्शन था उनके साथ था मतलब आई एम स्पीचलेस. यहाँ पे मुंबई में ऐसा क्राउड देख के ऐसा ऑडियंस देख के ऐसा इनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड इनफैक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा इवेंट अभी किया आई एम रियली हैप्पी. एंड आई एम रियली मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इतना ये सब जो देख रहा हूँ वो बहुत बहुत खुश हूँ मैं इन सब चीज़ों में. अब ऑफकोर्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड आई मीन मुफ्ती एक कैजुअल वेयर ब्रांड है और अपैरल ब्रांड है जो मतलब मेरे फैशन सेंस के हिसाब से मेरे से बहुत जुड़ा हुआ लगता है. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड जब मेरे साथ ये एसोसिएशन चालू हो रहा था. एंड ऑलमोस्ट हम लोग का एक साल होने आ गया है. एंड जितने भी आज तक हम लोगों ने इसके चाहे शूट्स किए हैं चाहे प्रमोट किया है चाहे इंट्रैक्शंस किए हैं वो हमेशा से बहुत बड़े लेवल पे हिट हुए हैं. सो आई एम रियली हैप्पी विथ टुडेज इवेंट ऑल्सो एंड दिस एसोसिएशन ऑल्सो. फर्स्ट लग्जरी परचेज मतलब इन टर्म्स ऑफ अपैरल कपड़े मेरे लिए काफ़ी मैं बहुत ज़्यादा हुडीज़ कलेक्ट करता रहता हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी एक मतलब मैं मुफ्ती के भी मैंने काफ़ी हुडीज़ ऐसे कलेक्ट किए थे बचपन में. मैं जब ये आया था तो मैंने वो भी किया. एंड इनफैक्ट मैं शूज़ रिसेंटली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अलावा मुफ्ती और साथ साथ हम्बल भी दोनों चीज़ों को मैं बहुत मैं जंकी की तरह मतलब ख़रीदता रहता हूँ ये चीज़ें. जी सर पार्ट लगता हूँ अभी ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री का पार्ट हूँ एक अहम हिस्सा बन रहा हूँ और अभी भी बहुत आगे जाना है मेरे को. कॉन्फिडेंस आता है जिस तरीके से दोनों फिल्में लास्ट सोनू के डिटू की स्वीटी फिर लुक्का छुपी जिस तरीके की सक्सेस रही हैं ये दोनों फिल्म्स लास्ट दो डेढ़ साल में तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है एज एन एक्टर कि आगे मतलब जो भी चॉइसेस हैं जो भी चॉइसेस कर रहा हूँ एज एन एक्टर स्क्रिप्ट चूज़ कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन मिलता है एज एन एक्टर कि चूज़ सही कर रहा हूँ. एंड आगे भी सोच रहा हूँ कि इम्तियाज़ सर की फिल्म एंड पति पत्नी और वो भी उतनी तरीके से और अच्छे तरीके से चले. मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड कप इन्जॉय करने वाला हूँ. मैं आई एम रियली रियली आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू आर इंडियन क्रिकेट टीम एंड वर्ल्ड कप के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ.